नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और मैं हूं रजत सिंह। उत्तर प्रदेश की राजनीति में चर्चा है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की। दरअसल सत्यदेव सिंह के इस्तीफे के बाद से ये पद एक तरीके से खाली है, यानी हालांकि उस पर अभी सत्यदेव सिंह ही काम करें, लेकिन नए प्रदेश अध्यक्ष का इंतजार बीजेपी को लगातार है। ऐसे में कहा जा रहा है कि जल्द ही 17 अगस्त के बाद ये फैसला हो सकता है कि बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। और प्रदेश अध्यक्ष की जो रेस है उसमें भी कई नाम है, वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जो है वो किसी प्रमुख ब्राह्मण चेहरे को लेकर है या फिर किसी दलित के बनाए जाने की संभावना जताई जा रही है। पहले तारीख की बात कर लेते हैं। ये कहा जा रहा है कि 17 अगस्त के बाद ये तय होगा कि उत्तर प्रदेश के बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। दरअसल 17 अगस्त को ही संगठन महामंत्री सुनील बंसल, जो अभी तक यूपी के संगठन महामंत्री हैं, वो दिल्ली चले जाएंगे, जिनको प्रमोट कर दिया गया है। अब उनकी जगह पर आएंगे धर्मपाल सिंह सैनी। धर्मपाल सिंह सैनी झारखंड में संगठन महामंत्री थे और वो बीजेपी का कार्यभार संभालेंगे। जात से वो सैनी हैं, ऐसे में उनकी पॉलिटिक्स को भी देखा जा रहा है। वहीं अब ये कहा जा रहा है कि 17 तारीख के बाद ही बीजेपी में एक बड़ा फैसला लिया जाना है। उस 17 तारीख के बाद ये होगा कि कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष के नामों का ऐलान हो सकता है, जिसमें बिहार, झारखंड भी है और सबसे महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश भी है, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। अब आते हैं नाम की चर्चा पर। दरअसल सबसे पहली चर्चा जो है उत्तर प्रदेश में, जो सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी किसी ब्राह्मण चेहरे के ऊपर दाव खेल सकती है। जिन दो नामों की सबसे ज्यादा चर्चा है उनमें सबसे पहला नाम है हरीश द्विवेदी का, जो सांसद है। इसके अलावा योगेंद्र उपाध्याय का, हम आपको बताते हैं कि ये दोनों है कौन। दरअसल हरीश द्विवेदी बस्ती से सांसद हैं। इनके प्रदेश अध्यक्ष बनने की चर्चा इसलिए तेज है कि इनकी करीबी आरएसएस से बताई जाती है। कहा जाता है कि इनका आरएसएस में बड़ी अच्छी पकड़ है। ऐसे में आरएसएस की जो लॉबी है बीजेपी में, उनकी तरफ से द्विवेदी को प्रोजेक्ट किया जा रहा है। वहीं अगर हम योगेंद्र उपाध्याय की बात करें तो योगेंद्र उपाध्याय योगी सरकार की कैबिनेट में मंत्री हैं और साथ ही साथ ब्रज क्षेत्र से आते हैं। ऐसे में बीजेपी ये चाहती है कि जो ब्रज क्षेत्र है, जहां पर अभी बीजेपी ने बहुत ज़्यादा प्रतिनिधित्व नहीं दे सकी है, उस क्षेत्र को मजबूत करने के लिए एक तरीके से योगेंद्र यादव को आगे कर सकती है। बड़ी चर्चा रही है ब्रज क्षेत्र को लेकर लगातार बीजेपी के अंदर। दो अन्य और ब्राह्मण चेहरों की चर्चा है, वो है सुब्रत पाठक, जो कन्नौज से सांसद हैं। ये माना जा रहा है सुब्रत पाठक लंबे समय से इस रेस में शामिल हैं। अब देखने वाली बात है कि सुब्रत पाठक को मौका मिलता है नहीं मिलता। एक नया नाम है अलीगढ़ से सतीश गौतम का। दरअसल अलीगढ़ और कन्नौज वो इलाका है जहाँ बीजेपी अभी तक उस तरीके का प्रदर्शन नहीं कर सकी है। तो प्रदेश अध्यक्ष बनाकर बीजेपी उन इलाकों पर टारगेट करने की कोशिश कर रही है जो कहीं ना कहीं सपा के गढ़ रहे हैं या विपक्षियों के गढ़ रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि इन चारों नामों में से किनको मौका देती है बीजेपी। हालांकि एक और चर्चा यह है कि किसी दलित को इस समीकरण में फिट किया जा सकता है। दरअसल कहा जा रहा है कि अभी तक सीएम जो है वो राजपूत हैं। जो डिप्टी सीएम है उसमें से एक ब्राह्मण है और दूसरे ओबीसी से आते हैं, और ओबीसी से आने वाले केशव प्रसाद मौर्य को अब बीजेपी ने विधान परिषद का नेता प्रतिपक्ष भी बना दिया है। और जो संगठन महामंत्री हैं धर्मपाल सिंह सैनी, वो भी ओबीसी से आते हैं। तो ऐसे में जो सीट है प्रदेश अध्यक्ष की, उस पर जो सबसे बड़ा दावा बनता है वो दलित समाज का बनता है, और साथ ही साथ दावा ब्राह्मण चेहरे का भी बनता है, क्योंकि ब्राह्मण वो समुदाय है जो बीजेपी को लगातार वोट करता रहा है और कोर वोटर रहा है, और उसकी नाराजगी 2022 में देखने को मिलने वाली थी, लेकिन बीजेपी ने उसको एक तरीके से साधने की कोशिश की। तो बीजेपी किसी भी कीमत पर ये नहीं चाहेगी कि ब्राह्मण नाराज हो। ऐसे में कहा जा रहा है कि इस सीट पर किसी ब्राह्मण को मौका दिया जा सकता है, और इसी तर्क के आधार पर यह भी कहा जा रहा है कि किसी दलित चेहरे को मौका मिल सकता है। कुल मिलाकर तैयारी चल रही है 2024 के चुनाव की, और 2024 के चुनाव को देखते हुए बीजेपी न सिर्फ अपने सारे पेज पुर्जे टाइट करना चाह रही बल्कि जाति समीकरणों को भी दुरुस्त रखना चाहती है। तो अगर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की बात करें तो दो सबसे बड़ी जो चर्चा है कि क्या दलित प्रदेश अध्यक्ष बनेगा या ब्राह्मण, लेकिन नाम अभी चार ब्राह्मणों के आगे चल रहे हैं। अब देखने वाली बात है कि बीजेपी इनमें से किसके नाम पर मुहर लगाती है। इतना ही बात बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या हो रहा है इसको जानने का गड्ढा है वो है यूपी तक। तो देखते रहे यूपी तक। नमस्कार।